वेरी वार्म वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल निखिल मिस्त्री साइंस लर्न विद फन। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 और उसके पार्ट 1 के बारे में। ओके, तो आगे के दो लेक्चर्स मतलब कि दो चैप्टर्स हमने ख़त्म कर दिए। आज हम यहाँ पे चैप्टर 3 जिसका टाइटल है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, उसके पार्ट 1 के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जिसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आप स्टैंडर्ड 6 और स्टैंडर्ड 7 में वहाँ पे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आप लेके आए हो, तो वहाँ से हम आगे यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो आपको पता है कि आप जो क्लोथ पहनते हो ओके, तो वो किससे बनते हैं, तो वो बनते हैं फाइबर्स से। और जो भी फाइबर्स होते हैं तो फाइबर्स आपको दो तरह के दिखाई देते हैं, या तो दो तरह के फाइबर्स मार्केट में अवेलेबल है, एक तो है नेचुरल फाइबर और दूसरा है आर्टिफिशियल फाइबर। मतलब कि अब नेचुरल फाइबर क्या है और आर्टिफिशियल फाइबर क्या है, तो उसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कशन करना है। तो आपको यहाँ पे बाजू में जो बॉक्स दिया है वो बॉक्स के अंदर आपको नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर के नेम लिखने हैं और वो किससे मिलते हैं वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आपको जनरली दिया हुआ है कि जो भी फाइबर्स है उसको हम क्या करते हैं, तो बहुत सारी वैरायटी के फॉर्म में उसको हमारी जो भी हाउस होल्ड की आर्टिकल्स होती है, जो भी हमारे घर की चीज़ होती है उसमें हम यूज़ करते हैं, जैसे कि कॉटन है, फिर जो भी आप पर्दे होते हैं विंडो के ओके, उसमें आप यूज़ करते हो, विंटर सीजन में जो भी गर्म कपड़े आते हैं उसमें आप उसको यूज़ करते हो। तो बहुत सारे फाइबर्स ऐसे भी है कि जो आप क्या करते हो, तो भाई कपड़े सुखाने के लिए भी यूज़ करते हो, प्लास्टिक बैग के फॉर्म में भी उसको आप यूज़ करते हो। तो आपको यहाँ पे जो भी आर्टिफिशियल्स या तो मैनमेड नेचुरल फाइबर्स है उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे बनानी है और उसको आपको सेपरेट करना है नेचुरल फाइबर और मैनमेड फाइबर्स को। ओके, तो यहाँ पे बॉक्स के अंदर हम एंट्री करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आता है कॉटन, तो वो भी क्या है, नेचुरल फाइबर है, जिसमें से क्या होते हैं मेनली हमारे जो भी कपड़े होते हैं वो बनते हैं। उसके बाद आता है वुल, तो वुल भी क्या है, नेचुरल फाइबर है, एनिमल में से मिलता है और उसका हम क्या यूज़ करते हैं, तो विंटर सीजन में जो भी हमारे विंटर वियर आते हैं, स्वेटर्स है, जैकेट्स है, मफलर है, उन सब बनाने में यूज़ होता है। फिर जूट है, तो जूट भी क्या है, नेचुरल फाइबर है कि जिसका हम यूज़ क्या करते हैं, तो वीट को फिलअप करने, मतलब कि जो गेहूं होते हैं उसको भरने के लिए कि जो बैग आती है वो बनाने में यूज़ होता है। उसके बाद आता है नायलॉन है, रेयन है, तो ये सब मैनमेड फाइबर्स है। ओके, तो इसके बारे में हम आगे ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे जो भी फाइबर्स होते हैं तो उसके ऊपर आपको क्या करना है, तो भाई जो भी आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं उसके ऊपर आपको लेबल करना है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लर्न करेंगे, तो आप देख सकते हो, तो प्रीवियस क्लासेस मतलब कि 6th और 7th स्टैंडर्ड के अंदर आपने डिफरेंट टाइप के जो भी नेचुरल फाइबर्स है, जैसे कि कॉटन है, वूल है, सिल्क है, जूट है, उन सब के बारे में आपने पढ़ा था, जिसमें से जो भी कॉटन है ओके, फिर जो भी जूट है, तो वो सब कैसे है, तो वो सब आपको मिलते हैं प्लांट में से, और वूल और सिल्क है वो एनिमल फाइबर है। तो सिंथेटिक फाइबर क्या है ओके, तो हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जो फाइबर ह्यूमन बीइंग के थ्रू बनाया जाता है, या तो जो फाइबर इंसान बनाता है फैक्ट्री में, उसका यहाँ पे क्या होता है, तो उसको बनाया जाता है ओके, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, मैनमेड फाइबर भी बोल सकते हो ओके। जो नेचुरली बनता है उसको आप नेचुरल फाइबर बोल सकते हो, और जिस फाइबर का डेवलपमेंट ह्यूमन बीइंग के थ्रू किया जाता है उसको आप मैनमेड फाइबर भी बोल सकते हो। तो एक्चुअल में सिंथेटिक फाइबर क्या है, तो सिंथेटिक फाइबर एक फॉर्डिन नेकल ऑफ द बेड जॉइंटेड विद द हेल्प ऑफ द थ्रेड, मतलब कि एक ही जैसे बहुत सारे थ्रेड को एक दूसरे के साथ जॉइंट करके आप बनाते हो, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, तो सिंथेटिक फाइबर बोल सकते हो। और ट्राई टू जॉइन द नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टूगेदर मेक अ लॉन्ग चेन, आपको आगे वाले डायग्राम में दिखाया है कि सिंथेटिक फाइबर कैसे बनते हैं, तो जो भी पेपर क्लिप्स आती है तो पेपर क्लिप्स को आप क्या करते हो, एक दूसरे के साथ जॉइन करके जो भी चेन बनाते हो, तो उस हिसाब से आपको क्या होता है, तो भाई आपकी जो भी सिंथेटिक फाइबर है वो बनती है। तो आप यहाँ पे आगे वाली स्लाइड में ये देख सकते हो ओके, तो आपको क्या दिया, बीट्स एंड ओके, जो आपको माला दी हुई है, माला के अंदर क्या है, तो भाई एक ही जैसे बहुत सारे जो भी बीट्स है उसको एक दूसरे के साथ एक ही धागे से जोड़ के रखा है। और सेकंड आपको दिखा है पेपर क्लिप्स कि जो क्या है, तो पेपर क्लिप्स एक दूसरे के साथ जोड़ने से क्या होता है, एक लॉन्ग चेन क्रिएट होती है कि जो आपको क्या दिखाती है, तो वो आपको दिखाती है आपका जो भी सिंथेटिक फाइबर है उसका
कंस्ट्रक्शन। तो जो भी सिंथेटिक फाइबर है तो वो क्या है, तो एक ही जैसे बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स जब एक दूसरे के साथ जॉइन होते हैं तब क्या होती है, चेन क्रिएट होती है। और हर एक जो स्मॉल यूनिट है तो एक्चुअल में वो क्या है, केमिकल सब्सटेंस। क्या है? केमिकल सब्सटेंस। तो ईच स्मॉल यूनिट को आप क्या बोल सकते हो, केमिकल सब्सटेंस बोल सकते हो। और यहाँ पे जो भी कुछ स्मॉल सब्सटेंस है ओके, तो वो स्मॉल सब्सटेंस एक दूसरे के साथ कंबाइन होके एक लार्ज सिंगल यूनिट बनाते हैं, जिसको आप क्या बोल सकते हो, पॉलीमर बोल सकते हो। फ्रेंड्स आइडेंटिफाई कर देना आपको यहाँ पे पॉलीमर किसको बोलते हो, एक ही जैसे बहुत सारे सब्सटेंस। रिमाइंड रखना, एक ही जैसे बहुत सारे सब्सटेंस जब एक दूसरे के साथ जॉइंट होते हैं और एक बड़ा यूनिट बनाते हैं तो उसको आप क्या बोल सकते हो, पॉलीमर। एक्चुअल में जो पॉलीमर वर्ड है ओके, तो वो ग्रीक वर्ड है और यहाँ पे दो सेपरेट पार्ट में डिवाइड है, पॉली एंड मर। पॉली का मीनिंग होता है बहुत सारे, एक ही जैसे बहुत सारे, और मर का मतलब होता है पार्ट ओके। तो यहाँ पे एक ही जैसे बहुत सारे यूनिट जब एक दूसरे के साथ जॉइंट होते हैं तब पॉलीमर बनाते हैं। और पॉलीमर क्या है, तो एक ही जैसे बहुत सारे जो भी यूनिट्स होते हैं उसका रिपीटिंग यूनिट्स आप उसको बोल सकते हो। तो पॉलीमर्स क्या है, तो पॉलीमर्स नेचुरल फाइबर में से बनाया जाता है। कैसे? तो यहाँ पे आपको कॉटन फॉर एग्जांपल, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, तो कॉटन एक्चुअल में क्या है, सेल्यूलोज है। उसको आप पॉलीमर के फॉर्म में सेल्यूलोज बोल सकते हो, क्योंकि वो क्या है, तो भाई जो भी वन टाइप ऑफ पॉलीमर है उसके अंदर जो भी सब्सटेंस है सेल्यूलोज, वो क्या है, तो भाई पॉलीमर्स फॉर्म में आता है ओके। बहुत सारे ऐसे सेल्यूलोज क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ जॉइंट होते हैं। और सेल्यूलोज किससे बनते हैं, तो बहुत सारे नंबर ऑफ जो भी ग्लूकोज के यूनिट है, किसके यूनिट है, बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तब यहाँ पे सेल्यूलोज क्रिएट होता है। उसके बाद आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। हमको जो पढ़ना है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट टाइप दिया हुआ है रेयन। तो फ्रेंड्स यहाँ से जितने भी थ्रेड्स आते हैं, जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स आते हैं, उसकी शॉर्ट नोट आपको लिखनी है होमवर्क में और पीडीएफ बना के मेरे को सेंड करनी है। तो क्लास 6 और 7 के अंदर आपने जो भी सिल्क फाइबर है, वो सिल्क वॉर्म में से कैसे डिस्कवर हुआ, कैसे उसको लिया जाता है, तो उन सब के बारे में पढ़ा। और जो भी सिल्क वॉर्म है वो फर्स्ट ऑफ ऑल चाइना के अंदर आइडेंटिफाई हुआ ओके, एंड क्लोजली ग्रेजुएटेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब कि चाइना ने ये बात लोगों से बड़े लंबे टाइम तक क्या छुपा के रखी ओके। तो जो भी फाइबर है, फैब्रिक कंटेंट है ओके, तो वो कहाँ से, सिल्क फाइबर में से आता है, और वो बहुत कॉस्टली, मतलब कि जो ओरिजिनल सिल्क फाइबर है उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, कॉस्टली है। बट इट्स अ ब्यूटीफुल टेक्स्चर, मतलब कि जो भी उसकी डिज़ाइन है ओके, वो सबको क्या करती है, अपनी ओर खींचती है ओके। तो मतलब कि साइंटिस्ट ने अब क्या सोचा कि भाई मैनमेड, मतलब कि आर्टिफिशियल जो भी सिल्क फाइबर्स है उसको यहाँ पर डेवलप किया जाए। तो टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th century, मतलब कि 19th century के एंड में साइंटिस्ट ने सक्सेसफुली जो भी सिल्क फाइबर था उसको यहाँ पे उन्होंने क्या किया, डेवलप किया सेम प्रॉपर्टी के साथ। मतलब कि अभी तक जो मिल रहा था वो कैसा था, तो भाई एनिमल में से मिल रहा था, नेचुरल था। अब जो साइंटिस्ट ने बना है वो कैसा है, मैनमेड है, लेकिन उसका जो भी स्ट्रक्चर है, उसकी जो भी डिज़ाइन है, उसका जो भी कंस्ट्रक्शन है, वो क्या है, नेचुरल फाइबर से बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में मिलते जुलते थे। तो यहाँ पर ये जो फाइबर है वो केमिकल ट्रीटमेंट कर, किसके ऊपर, तो वुड पल्प के ऊपर केमिकल ट्रीटमेंट करके बनाया जाता है ओके। और वुड पल्प मतलब कि जो भी लकड़ी के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ओके, उसके ऊपर केमिकल रिएक्शंस करके बनाया जाता है, और उसको आप क्या बोल सकते हो, रेयन, या तो आर्टिफिशियल सिल्क आप उसको बोल सकते हो। तो जो भी रेयन है तो वो नेचुरल सोर्स मतलब कि वुड पल्प में से बनाया जाता है, लेकिन उसके ऊपर केमिकल रिएक्शंस होती है तो उसको आप क्या बोल सकते हो, मैनमेड फाइबर भी बोल सकते हो। अगर उसकी प्राइस की हम डिस्कशन करें तो जो भी ओरिजिनल सिल्क है उसकी कंपेयर में मैनमेड सिल्क की प्राइस क्या है, तो बहुत चीप है, सस्ता है ओके। और सिल्क जैसा ही उसका स्ट्रक्चर सबको दिखाई देता है ओके। और उसको आप जिस कलर में, या तो जिस वैरायटी में, कलर वैरायटी में आप बनाना चाहते हो उस वैरायटी में उसको आप बना सकते हो। तो रेयन इज मिक्स विथ अ कॉटन, सपोज रेयन को आप क्या करते हो, कॉटन के साथ मिक्स करके बेडशीट बना सकते हो ओके, या तो रेयन को आप वूल के साथ मिक्स करके कारपेट बना सकते हो। तो आप यहाँ पे कारपेट का डायग्राम, या तो जो भी कपड़े हैं बेडशीट्स है उसका डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आगे डिस्कशन करते हैं, सेकंड है नाइलॉन ओके। नाइलॉन से खमड़ पे नहीं चले जाने का, नाइलॉन यहाँ पे थ्रेड है, सिंथेटिक फाइबर, तो ये भी दूसरा सिंथेटिक फाइबर है। 1931 में
विथाउट एनी रॉ मटेरियल्स, मतलब कि ना तो प्लांट मटेरियल और ना ही एनिमल मटेरियल, किसी का भी यूज़ किए बिना ये नेचुरल या आर्टिफिशियल फाइबर या तो मैनमेड फाइबर को डेवलप किया गया था। ओके, तो नाइलॉन किस में से डेवलप किया गया, तो कॉल या कॉल वाटर और एयर में से डेवलप किया गया, मतलब कि उसका यूज़ करके बनाया गया। तो ये फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। ओके, नाइलॉन की अगर हम बात करें तो नाइलॉन सबसे स्ट्रॉन्ग फाइबर है, इलास्टिक मतलब कि स्ट्रेचेबल है, और लाइट मतलब कि वेट में एकदम हल्का है। ओके, आपको पता है कि आपके घर में मॉनसून की सीज़न में जो भी कपड़े होते हैं गीले कपड़े, तो जिसका वेट भी ज़्यादा होता है तो वो उसके ऊपर सूखते हैं, फिर भी उसके ऊपर किसी भी टाइप की इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलती नहीं है। तो इट वॉज़ अ लस्टर एंड ईजी टू वॉश, मतलब कि लस्टर मतलब कि क्या, वो शाइनी है और उसको आप इजीली वॉश भी कर सकते हो, मतलब कि नाइलॉन के जो भी थ्रेड है, नाइलॉन फाइबर है, वो वॉशेबल है। ओके, इट बिकम अ वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग अ क्लोथ, मतलब कि उसका यूज़ क्या होता है, क्लोथ बनाने में होता है। वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नाइलॉन सच एज अ सॉक्स, मतलब कि नाइलॉन का यूज़ आप कहाँ पे कर सकते हो, तो सॉक्स में, सॉक्स बनाने में, रॉप्स बनाने में, टेंट्स होते हैं, जो भी टूथ ब्रशेस होते हैं, कार के सीट बेल्ट्स होते हैं, स्लीपिंग बैग्स होती है, कर्टेंस होते हैं, उन सब बनाने में नाइलॉन का यूज़ आप कर सकते हो। तो नाइलॉन के जहाँ पे यूज़ होते हैं वो आपको यहाँ पे दिखाया है, वेरियस आर्टिकल्स मेड फ्रॉम द नाइलॉन। तो इन द नाइलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन मेक अ नाइलॉन पैरासूट्स एंड द रोप फॉर द क्लाइंबिंग, मतलब कि वो इतना स्ट्रांग है कि जो क्या करते हैं, वेट को इजीली वो कैरी कर सकते हैं। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो 3.4 में नाइलॉन के यूजेस। तो यहाँ पे एक बंदा क्या कर रहा है, तो पैराशूट के ऊपर, पैराशूट में जा रहा है, तो पैराशूट में कौन से थ्रेड होते हैं, नाइलॉन के। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, तो उसके बाद आपको दिया हुआ है जो भी बंदा क्लाइंबिंग कर रहा है तो वहाँ पे भी वो रोप्स का यूज़ कर रहा है, तो वो भी उसके नाइलॉन के। अल्सो यूज़ फॉर मेकिंग अ पैरासूट एंड द रोप फॉर द रॉक क्लाइंबिंग। और जो भी नाइलॉन है, जो नाइलॉन थ्रेड एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्गर है, किसकी कंपेयर में, स्टील वायर की कंपेयर में। ओके, स्टील वायर लेते हो और नाइलॉन का थ्रेड लेते हो, दोनों में से अगर आप स्टेबिलिटी या तो कंपेरिजन करते हो, तो जो भी नाइलॉन थ्रेड है वो एक्चुअल में क्या है, सबसे ज़्यादा मजबूत है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो भी हमारा वीडियो है वो वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिए, वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, स्टे होम, सेफ होम, गुड बाय।